एक प्रार्थना करे हैं कि अब हम दोनों भैया पौगंड अवस्था को प्राप्त है गए हैं, जासो अब हम दोनों भैया बछड़े नहीं चरावेंगे, गैया चरावेंगे, क्योंकि हमारे जो ब्रज के ग्वालवाल है वे भी बछड़े नहीं चरावेंगे, गैया चरावेंगे, तो हम उनके बिना अकेले दूर वन में बछड़े कैसे चरावेंगे, हम भी गैया चरावेंगे, जासो अब हमें गैया चरावे की ताई आज्ञा प्रदान करो। तुम सब विधि लायक हो पुरुष सिंह, तुम दोनों भ्राता खुशी रहो, जामे तुम दो सब प्रकार प्रिय हमको सो, युगल भ्रात तुम मम युग नयना, तुम बिन पल भर परत न चैना, तुम प्राणन से अति प्रिय दूर जाने हित किम कहूँ तो को, तुम प्राणन से अति प्रिय मोको दूर जाने हित किम कहूँ तो को। प्रिय पुत्र बलराम, प्रिय कृष्ण, अब तुम दोनों भाई सब प्रकार से लायक हो गए हो। तुम दोनों भाई पुरुषों में सिंह के समान बलशाली एवं श्रेष्ठ हो, और फिर जिसमें तुम्हारी खुशी उसी में सब प्रकार से मेरी भी खुशी है। लेकिन तुम दोनों भाई मेरी दो आँखों के तारे के समान मुझे प्रिय हो। तुम्हें देखे बगैर मैं पल भर भी चैन से नहीं रह पाता। तुम दोनों भाई मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मैं तुम्हें दूर वन में जाने के लिए कैसे कहूँ? नाय बाबा, हम तो गैया चरावे जावेंगे। ठीक है, घर्गाचार्य जी से शुभ मुहूर्त निकलवा कर उसी के अनुसार आप लोगों को प्रण में जाने की, वन में जाने की आज्ञा है। हाँ बाबा, आज कार्तिक शुक्ला
अष्टमी बहुत बढ़िया मुहूर्त है, आप लालन को आज ही गैया चरावे के लिए आज्ञा प्रदान कर दे। आज्ञा।